अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कभी ना कभी आप ये जानना चाहते होंगे कि आपका जो एनपीएस है उसमें से कितना पेंशन आपको मिल सकते हैं और कितना अमाउंट लमसम रुपीस में मिल सकते हैं और कितना अमाउंट आपका जमा टोटल हो जाएगा, इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते होंगे। तो इस वीडियो में हम एक आइडिया आपको देते हैं कि कैसे आप एनपीएस का पैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितना पेंशन मिल सकते हैं, कितना लमसम अमाउंट आपको मिल सकते हैं, उसके बारे में एक आइडिया आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कि मैंने पहले ही बताया हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया दूंगा एनपीएस कैलकुलेशन का। तो एनपीएस कैलकुलेशन करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा एक ऐप जिसका नाम है एनपीएस कैलकुलेटर। तो हम पहले प्ले स्टोर में चला जाता हूँ और वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपना मोबाइल पे आ गया है और यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन कर लूँगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिए एनपीएस कैलकुलेटर। एनपीएस कैलकुलेटर सर्च करने के बाद देखिए कुछ ऐप्स आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इनमें से दूसरा नंबर वाला जो एनपीएस कैलकुलेटर है वो ओपन कर लीजिए। एनपीएस कैलकुलेटर गुजरात इंफोटेक लिमिटेड, इसे ओपन करने के बाद इसे आप कर लीजिए डाउनलोड इंस्टॉल। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, फिर इसे कर लीजिए ओपन। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ में एक वैसे भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जैसे जन्म तिथि यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा 1990, ठीक है 1990 सिलेक्ट कर लिया हूँ। और कब, अप्रैल का, ठीक है अप्रैल का ऐसे 1990 सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कितना कंट्रीब्यूशन आपने करते हैं, मतलब मंथली कितना कंट्रीब्यूशन करेगा। मान लीजिए मैं 5,000 रुपया मंथली कंट्रीब्यूशन करूँगा और कितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट करूँगा, 30 ईयर, क्योंकि 7 साल उम्र में आदमी का जनरली रिटायरमेंट होता है। तो रिटायरमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या कितना पकड़ेंगे, 10%। और ये आपने ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, आपने इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, हो सके आपसे आपका रिटर्न इससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी एक जनरल इन जनरल 10% हम इसमें पकड़ लेते हैं। फिर आई वुड लाइक टू कीप एन्युटी फॉर पेंशन। आप देखिए इसमें मिनिमम 40% आप पेंशन खरीदने के लिए यूज करना पड़ेगा जो एन्युटी है, और मैक्सिमम आप 100% यूज़ कर सकते हैं पेंशन खरीदने के लिए। 100% यूज़ करेगा तो ज़्यादा पेंशन मिलेगा, कम यूज़ करेगा तो कम पेंशन मिलेगा। मैं यहाँ पे देखिए 60% मैं पेंशन खरीदने के लिए पैसा लगाऊंगा बोल के सिलेक्ट कर लिया हूँ। आप चाहे तो 80% 100% भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 40% लगाना ही पड़ेगा आपको। फिर एक्सपेक्टेड एनआईटी रेट वो कितना है, 6%, ये 6% हो ही जाते हैं। देखिए 6% यहाँ पे ऐप ने भी पकड़ रखा है, मैं भी उसी को ही रहने देता हूँ, वो चेंज नहीं करूँगा। फिर कैलकुलेट के ऊपर कर दूँगा क्लिक। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना होगा, 18 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट होगा मेरा। जो 5,000 करके जो जमा होगा वो 18 लाख रुपया होगा 30 सालों में। कॉर्पस वैल्यू होगा, इंटरेस्ट के समेत हमारे को कितना मिलेगा, 1,13,96,592, इतना टोटल कॉर्पस वैल्यू होगा। लेकिन उस कॉर्पस वैल्यू का हमने कितना निकालूंगा, 40% अपने लिए निकालूंगा। जो रिटायरमेंट विड्रॉल अमाउंट लमसम अमाउंट कितना मिलेगा हमारे को, इनमें से 45,58,637 इतना हमारे को मिल जाएगा। और परचेजिंग पेंशन फंड, हम कितना रुपया का पेंशन फंड खरीदेंगे, 68,38,37,955 इसका हम पेंशन स्कीम खरीदेंगे, क्योंकि हम 60% पकड़ रखा था। टोटल एन्युटी का जो कॉर्पस वैल्यू है 1,13,00,000 का, हमने 60% एन्युटी पेंशन खरीदने के लिए यूज कर रखा, इसलिए वो होता है 68,37,955। तो इसमें और एक चीज़ आपको लिखा हुआ है, नॉमिनी विल रिसीव रुपीज 68,37,955 आफ्टर डेट ऑफ अकाउंट होल्डर। आपको अगर डेट हो जाते हैं, डेट होने के बाद एन्युटी की मतलब जो नॉमिनी है उनको इतना ही पैसा, जितना पैसा का आप पेंशन खरीद रहे हैं उतना ही पैसा वापस मिल जाएगा। और आपको कितना पेंशन मंथली मिलेगा, 34,190 रुपया
मंथली मिलेगा, और आप मरने के बाद जितना पैसा से आपने पेंशन खरीदा था उतना पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। यहाँ पे यही एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आप एनपीएस का कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक लमसम आइडिया आपका दिमाग में बैठा सकते हैं कि आपको कितना पेंशन मिलेगा, कितना एन्युटी आप वापस ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आइडिया लग गया होंगे कितना पेंशन आपको मिलेगा, कितना लमसम अमाउंट आपको मिल सकते हैं एनपीएस से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।